सबसे पहले तो एलटी गेट वाले सारे स्टूडेंट्स को दिल से शुक्रिया कि जब पहला वीडियो सेशन लिया था पेपर सॉल्यूशन का तो बाय गॉड मैंने ऐसे ही डाल दिया था, बट इंडिया में सबसे पहली पोजीशन पे अभी वो वीडियो पहुंचा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सीरियस हुए और 3 लेक्चर्स हम लोगों ने वहाँ डाले, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वहाँ डाले, बट बहुत सारे लोगों ने डिमांड की ये क्वेश्चंस और डाले जाएं, तो उसी को सीक्वेंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी आज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और बीएससी लेवल के, जो बीएससी लेवल पे थे हायर मैथमेटिक्स के थे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिर जैसा आप रिव्यू देंगे, जिस तरीके से आप बोलेंगे, उस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो एलटी ग्रेड में आया था। अब पेपर सेट को लेके हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पेपर सेट आपका कोई भी हो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अपने पेपर सेट से उसको मिलान कर लें। 2018 जुलाई 29 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला इज 16 यूनिट, इसेंट्रिसिटी इज रूट टू, इक्वेशन निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का और हाइपरबोला का। इस तरीके से एलिप्स का जनरली क्वेश्चन देखा जाता है, आता है। तो हम लोगों ने एक हाइपरबोला आपको दर्शाया है, यहाँ पे एक फोकाई ली है या दूसरी फोकाई ली है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अगर हम काउंट करें तो यहाँ एस एस डैश होगी। ये एस और एस डैश की दूरी ही डिस्टेंस है और वो 2a ही होता है। क्या कितना होगा, क्योंकि यहाँ से इधर जाएंगे तो ए ही और यहाँ से इधर जाएंगे तो डिस्टेंस ए ही होगी, माइनस नहीं होगी। ये ए ही होगी और ये भी ए ही होगी। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो 2a वहाँ पे क्या दिया गया है, 16। तो ए ही बराबर क्या दे दिया गया, 16। इसेंट्रिसिटी जिसको बोलते हैं ई, यहाँ पे हाँ यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे ए इंटू रूट टू बराबर 8, ए बराबर 4√2 आ गया। अब जब भी इक्वेशन निकालते हैं, जब भी, तो हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से निकालेंगे, तो हमें ए और बी की तलाश रहेगी। तो ए हमारा आ ही चुका है, ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ गया। अब बी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर में यहाँ पर देखें, जब भी यहाँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो हाइपरबोला में ई बड़ा होता है 1 से, तो ई स्क्वायर से 1 घटाएंगे। एलिप्स में ई बड़ा ई छोटा होता 1 से, तो 1 माइनस ई स्क्वायर करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और जिस ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 हुआ। तो बी स्क्वायर निकालना है तो यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 32, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 2 माइनस 1, तो बी स्क्वायर भी क्या आया, 32 आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, रख देंगे। तो जब यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 32 आ जाएगा, क्यों बराबर है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। क्या आ गया, क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हैं। अब उनके एजेम्पटोड्स होंगे, जो भी एजेम्पटोड्स होंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वो हाइपरबोला जिसके एजेम्पटोड्स के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो वो इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ऑप्शन आप टिक कर देंगे। पेपर में एक क्वेश्चन समेशन इस सीरीज का सम बताना था, बहुत इजी है। अगर आपने अलजेब्रा ध्यान से पढ़ी होगी तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं लगा पाए तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप बहुत सारे टेस्ट पेपर दीजिए। लोग प्रैक्टिस को लेते हैं कि वो पढ़ाई को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लेक्चर्स के साथ साथ टेस्ट, तो आपको टेस्ट अटेंड करना है। यहाँ देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे करके जा रहा है। हमने कुछ स्टेप यहाँ पर लगा के रखे हैं इसलिए कि बहुत ही वो बेसिक है, ईजी है, जिससे कि आप जब भी ध्यान दें तो लिखने में टाइम अभी ना जाया हो। आगे जहाँ पे मेन होगी बात वहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे। तो देखिए
इसके सारे टर्म को ऑब्जर्व करें, तो जब ये टर्म देखेंगे आपके सामने, हम यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको पहला टर्म बोलेंगे टी वन, इसको देखेंगे तो टी टू, इसको देखेंगे टी थ्री। तो हमने क्या ध्यान दिया, जब भी हम कोई टर्म लिखने जा रहे हैं, जैसे ये टी फोर है तो उससे एक ज़्यादा यहाँ पे है, तो टी फोर लिखने जा रहे हैं तो फाइव है, टी फाइव में फैक्टोरियल सिक्स होगा, तो टी एन में फैक्टोरियल एन प्लस वन होगा, और बाकी तो चौथा पद है तो चार तक गया, तीसरा पद है तीन तक गया, दूसरा पद है दो तक गया, तो एनवा पद एन तक जाएगा, तो सारे नंबर्स का सम ले लिया, दैट इज फैक्टोरियल एन, आपको पता ही है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एन एन प्लस वन बाई टू। अब फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगाई कि जो भी चीज़ बाहर निकालेंगे उससे एक कम अंदर रखेंगे, तो हम एन प्लस वन बाहर निकाला तो उससे एक कम एन हो गया, ये इससे कट गया। फिर आगे फिर हमने दिखाया कि अब हम एन को भी बाहर ले सकते, तो एन या एन माइनस वन, तो हमारे पास ओवरऑल सिंपल आसान तरीके से टी एन एनवा पद हमने कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली हमें निकालना क्या था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ऐसे कर करके एन में पद का जोड़ टोटल एस एन निकालना था। क्या निकालना था, बेसिकली एस एन समेसन टी एन निकालना था। क्या करना था, इन पदों का योग, देखिए सम ऑफ द इनफाइनाइट, और टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, जो हमारा टी एन आया उसे समेसन लगा दें, फैक्टोरियल एन माइनस वन वन अपॉन टू बाहर आ गया, यहाँ पे आया समेसन एन माइनस वन। अब हम लोग देखो एक बारी बारी से वैल्यू रख के देखते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है, वन रखेंगे तो वन माइनस वन वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो क्या होता है वन होता है, फैक्टोरियल वन वन होता है, फैक्टोरियल टू ऐसे आएगा टू, तो ये वन आ गया, वन रखने पर जीरो आया, फैक्टोरियल जीरो दैट इज वन, फिर हमने टू रखा तो वन अपॉन फैक्टोरियल वन आ गया, थ्री रखने पर थ्री माइनस वन फैक्टोरियल टू आ गया, फैक्टोरियल थ्री आ गया। तो आप समझ गए कि वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, ये एक सीरीज होती है वन बाई टू ई एक्सपोनेंशियल ई। अगर आपको पता है ई बराबर क्या होता है, वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री। तो आंसर हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, आंसर्स ई अपॉन टू, इसका आंसर क्या आया था, ई अपॉन टू। आप आंसर मैच कर लीजिए, बहुत ही सिंपल था आंसर आपके सामने। तो एक क्वेश्चन उन्होंने लिया हाइपरबोलिक फंक्शन से, बेसिकली उनका यहाँ पर केवल और केवल मोटो था कि आपको क्या फॉर्मूले याद है कि नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि साइन आई थीटा, ऑप्शन दिया था कि कॉस आई थीटा बराबर आई कॉस एस थीटा, साइन आई थीटा बराबर आई साइन एस थीटा। तो यहाँ पे सीधे आई साइन एच थीटा, साइन आई थीटा बराबर आई साइन एच थीटा। तो ऑप्शन से वहाँ पे वेरीफाई करना था बेसिकली, तो ऑप्शन से वेरीफाई करना था, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एक क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन से आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बेसिकली, बहुत ईजी था अगर आप उसको ध्यान देते। यू बराबर लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, देन एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपॉन डेवर वाई, ये निकालना था। तो फार्मूला होता है एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपॉन डेवर वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डेस यू। एन होमोजीनियस ऑफ डिग्री, जो डिग्री होगी वही एन बनेगा, और फंक्शन को उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। बस बेसिकली मैं क्या ध्यान देना कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं होमोजीनियस बनाते हैं, इसको यू के बराबर मान लिया, अब हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे, तो ई की पावर यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको हमने फंक्शन माना, इसको एफ ऑफ यू माना, इसको नहीं माना फंक्शन। अब हम लोग ऊपर का डिग्री कितना है थ्री, नीचे का डिग्री वन है, तो थ्री माइनस वन दैट इज टू, तो एन की वैल्यू क्या होने वाली टू। अब एफ ऑफ यू हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपॉन डेवर वाई बराबर एन की वैल्यू कितनी थी टू, एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेस ए यू। अब एफ ऑफ यू क्या दिया गया है, ई की पावर यू, ई की पावर यू, तो एफ डेस यू क्या होगा, ई की पावर यू हो जाएगा, तो टू ई की पावर यू अपॉन ई की पावर यू दैट इज टू। तो आंसर क्या आया टू, तो बहुत ही सिंपल, अगर पेशेंसली काम करते, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी
इस तरीके से ढेरों टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट अगर आप दिए हैं तो आप अच्छा किए होंगे। और ज़्यादातर देखा गया कि क्वेश्चंस बहुत ही टफ नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लोग रिग्रेट कर रहे हैं, लोग दोबारा से भी तैयारी करेंगे तो फिर से मेहनत करने के लिए सोचेंगे, ढेरों बुक्स लगाने की कोशिश करेंगे। बट सबसे गलत आदत है आपको, जब तक आप रेगुलर टेस्ट नहीं देंगे आप इस तरीके से एग्ज़ाम को बीट नहीं कर सकते हैं। अब टेस्ट ज्वाइन करिए, किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कहीं से भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अब इसको माने या ना माने ये आपके ऊपर है।